दीपिका पादुकोण एक बार फिर से कंट्रोवर्सी में है क्योंकि इस बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी हैं जिसके कारण उनका टॉक्सिक फेमिनिज्म वाला एटीट्यूड फिर से उभर कर लोगों के सामने आ गया है। दरअसल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह कॉफी विद करण के सीजन 8 के डेब्यू एपिसोड में एज अ गेस्ट गए हुए थे। वहां दीपिका पादुकोण ने बताया कि जब वो रणवीर सिंह के साथ रिलेशनशिप में थी तो एट द सेम टाइम वो मल्टीपल कैजुअल रिलेशनशिप में थी। And so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people. और indirectly उन्होंने इस तरह भी इशारा किया कि maybe she was not physically loyal to Ranveer Singh, but definitely she was mentally loyal to him. I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. And in my mind, I was committed to him. अब दीपिका का ये वाला क्लिप बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। लोग बार बार इसे शेयर कर रहे हैं क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर आप इस वीडियो में रणवीर सिंह का एक्सप्रेशन को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि शायद उस बेचारे को भी इस सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी हिंट नहीं था। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। जहां तक पूरे बॉलीवुड का सवाल है तो जो भी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करते हैं उसके बेस पे तो यही कहा जा सकता है कि बॉलीवुड में कुछ भी पॉसिबल है और उनका कोई एंड नहीं है। हाँ, कुछ बॉलीवुड पर्सनालिटीज हैं जिससे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और दैट इज सिंपली बिकॉज उनका पास्ट रिकॉर्ड ऐसा नहीं बताता। दैट मीन्स पब्लिक परसेप्शन उनके लिए ऐसा नहीं बना हुआ है और पब्लिक परसेप्शन बनता है इनके पास के किए हुए हरकतों के कारण। सो लेट्स सी दीपिका पादुकोण का पब्लिक परसेप्शन कैसा है या उनकी पास की हरकतें कैसी हैं। दीपिका पादुकोण और कॉन्ट्रोवर्सी का चोली दामन का साथ है। अक्सर वो कॉन्ट्रोवर्सी में रहती है और पिक्चरों से ज़्यादा वो कॉन्ट्रोवर्सीज के कारण ही चर्चे में रहती है। अभी कुछ ही महीने पहले वो कॉन्ट्रोवर्सी में आई थी क्योंकि उन्होंने पठान फिल्म के एक गाने में भगवा रंग का बिकिनी पहना था। उससे पहले वो पद्मावत पिक्चर के कारण कॉन्ट्रोवर्सी में थी जहाँ के हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद वो ड्रग कॉन्ट्रोवर्सी में भी फंसी थी जहाँ उनके व्हाट्सएप चैट से बहुत सारे सबूत मिले थे जहाँ ये पता चल रहा था कि वो ड्रग्स माफिया से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसके अलावा 2020 में वो जेएनयू भी गई थी जहाँ वो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी होती नजर आई थी। दीपिका पादुकोण के मल्टीपल पब्लिक रिलेशन रहे हैं, चाहे वो सिद्धार्थ माल्या के साथ हो, महेंद्र सिंह धोनी के साथ हो या फिर रणबीर कपूर के साथ हो। दीपिका पादुकोण ने कुछ साल पहले ये बताया था कि वो डिप्रेशन के शिकार हैं और उसके बाद उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी इस्टेब्लिश किया था ताकि लोगों को ये बता सके कि मेंटल हेल्थ कितना जरूरी है। अब ये बात अलग है कि जब आप टाइमिंग देखोगे इन दोनों इवेंट का तो शायद आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट डेवलप होगा क्योंकि 2014 में दीपिका पादुकोण ने अपने आप को डिप्रेशन का शिकार बनाया था और 2015 में उन्होंने सो कॉल्ड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया था। वैसे दीपिका पादुकोण का टॉक्सिक फेमिनिज्म वाला साइड भी काफी बार दिखा है। फॉर एग्जाम्पल, जब उनका ब्रेकअप रणबीर कपूर के साथ हुआ था तो वो और सोनम कपूर दोनों ही कॉफी विद करण में जाकर रणबीर कपूर के बारे में ऐसी ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें की थी जो कि किसी को भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं करना चाहिए था। पर वही दीपिका पादुकोण जब खुद को डिप्रेशन का शिकार बताती है तो उसका रीजन भी मल्टीपल ब्रेकअप्स को ही देती है। काफी सालों पहले दीपिका पादुकोण ने वोग मैगजीन के लिए एक वीडियो शूट किया था टू डिफाइन द फ्रीडम ऑफ वुमेन और उस वीडियो में उन्होंने साफ साफ कहा था कि इवन इफ वुमेन इज मैरिड शी शुड बी फ्री टू चूज द पार्टनर आउटसाइड द मैरिज। अब इन सारे फैक्ट्स को अगर एक जगह इकट्ठा किया जाए और उसे एनालाइज किया जाए, चाहे वो ड्रग्स का केस हो, डिप्रेशन का केस हो या फिर मल्टीपल कॉन्ट्रोवर्सीज का केस हो, और अब ये कंसीडर किया जाए कि सेम सो कॉल्ड डिप्रेस्ड वुमन एक शो में जाती है और वहाँ इस तरह की बोल्ड बातें करती हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि दीपिका पादुकोण कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है, शी इज़ अ वेरी स्ट्रांग प्लेयर। अब अगर रणवीर सिंह की बात की जाए तो वो कितने इनोसेंट है वो तो बस इसी बात से पता चल जाता है जो उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में एक मैगजीन को बताया था कि उन्होंने अपनी वर्जिनिटी 12 साल की उम्र में लूज किया था। अब इस दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के करंट कॉन्ट्रोवर्सी के क्या मायने लगाए जाए? मायने बिल्कुल स्ट्रेट है, द टारगेट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। कॉफी विद करण सीजन 8 का पहला एपिसोड 26 अक्टूबर को लॉन्च हुआ। अब कितने लोगों को ये पता था ये मुझे नहीं पता, पर एटलीस्ट मुझे पता है कि मुझे नहीं पता था। पर आज जो क्लिप वायरल हुआ है इसके बाद सभी लोगों को पता होगा कि कॉफी विद करण का सीजन 8
शुरू हो चुका है। सो कॉफी विद करण सीजन 8 को जबरदस्त पब्लिसिटी मिल चुकी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मुफ्त में। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह फिर से लाइमलाइट में है। सो द कंक्लूजन इज दैट शो वॉज फुल्ली स्क्रिप्टेड एंड इट वॉज डिजाइन टू ग्रैब द मैक्सिमम अटेंशन एंड द फाइनल वर्ड मिशन अकॉम्प्लिश्ड।